ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁਣੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਡਣੇ ਨੀ, ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਜਾ ਕੱਢਣੇ ਨੀ, ਦੁੱਧ ਮੱਖਣੀ ਪਲਿਓ ਭਲਵਾਨਾ, ਦੁੱਧ ਮੱਖਣੀ ਪਲਿਓ ਭਲਵਾਨਾ, ਤੱਕ ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਬ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲੋਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲੋਲ ਕਰੇ, ਜਾਵੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਅੱਜ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀਆਂ ਵਿਰਾਸ਼ ਵਿੰਗੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਤਬ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਤਾਖੀਰ ਦਬ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਸ਼ੇਰ ਰੱਬਾਨੀ ਖਤੀਬ ਲਾਸਾਨੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬਾਨੀ ਕੋ ਕਿ ਵੋ ਕੁਰਾਨ ਓ ਹਦੀਸ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਿਆਲ ਫਰਮਾਏ। ਵਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਅਲਾ ਮੱਲਾ ਨਬੀ ਬਾਦ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الساکلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو اور عزیز ساتھیو، جس ذوق محبت دے نال اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا،
अल्लाह साडा सब दा आना बैठना अपने दरबार अंदर मकबूल ओ मंजूर फरमाए। जिस ज़ौक और मोहब्बत दे नाल अहबाबे जमात ने इस प्रोग्राम दा इंतजाम ओ एहतमाम कीता, अल्लाह उन्हां दी इस कावश कोशिश और मेहनत नू शर्फ़े कबूलीयत अता फरमा के साढ़े सारियां दी निजात दा जरिया और सबब बना दे। अल्लाह खालिक व मालिक ने कदों तो लैके इस जहान नू बसाया, और कोई इलम नहीं कदों तक ये जहान वसदा रहना। लेकिन आज तो पहले जितने आए वापस अपने अल्लाह दे हां चले गए, और कयामत तक आमदो रफ्त का सिलसिला जारी ओ सारी रहना। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू सारिया नू अपनी असल जिंदगी वास्ते कुछ बनान दी तौफीक अता फरमाए। फिक्र आखरत दे उनवान नाल कुछ मेरे जिम्मे लगाया गया है। ये बात तो रोजे रोशन दी तरह वाजे है। इको बंद बेस इको बंद कर सादा के जो भी इस दुनिया ते आया वो सदा रहन वास्ते नहीं आया, बल्कि एक वक्त मुकर्रा दे बाद अपने खालिक व मालिक दे हां पहुंचना और जिंदगी दे सा सा दा हिसाबो किताब देना। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान पाक दे इस मुकामे जीशान दे अंदर तज़किरा फरमाया, और एक बात जरा ज़हन नशीन फरमा लो कि जिस तरह माँ बाप अपने बच्चियां नू कदी प्यार नाल नरमी नाल मुहब्बत नाल समझांदे ने, ना समझे तो फिर जरा सख्ती करदे ने। दोनों तरीके माँ बाप इख्तियार करदे ने। बच्चे दा पेपर सिरते होए इम्तिहान सिरते होन ते माँ बाप अपने बच्चे नू समझांदे ने, काका पुत्रा बेटा इम्तिहान पुत्र तेरे सिरते आए ने, को मेहनत कर को पढ़िया पुढ़िया कर। ना समझे ते फिर जरा सख्ती करदे ने, को हया कर शर्म कर अकल कर, इम्तिहान तेरे सिरते आए ने ते तैनू उका हया नहीं तू तैयारी नहीं कर रहा। यानी नरमी नाल ते कदी सख्ती नाल अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने दोनों तरीकियां नाल अपने बंदियां नू समझाया, प्यार नाल भी नरमी नाल भी और सख्ती नाल भी। आओ जरा अल्लाह दे कुरान दे एक मकाम जीशान नू जरा नोट फरमाया जे। रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहे ने, अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान नबुवत तो ऐलान फरमा दियो, नब्बे इबादी। ऐ समझान दा अंदाज प्यार नाल मोहब्बत नाल फरमाया, नब्बे
रब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम। प्यार नाल रब्बुल आलमीन अपने बंदियां नू आगाह फरमा रहे ने, नब्बे इबादी कह दो, हिम्मत करो, आई जो गए हो वधी नू डर कोई नहीं, माशाल्लाह अल्लाह दे घर आए हो, ते अगर मुनासिब समझो तो जरा इधर नेड़े नेड़े नहीं हो जाते, मौलविया को त्रया ना करो, डरिया ना करो। मैं थोड़े ना वादा करना इंशाल्लाह थोड़े को चंदा नहीं मंगता, ये पक्की गल। हाँ जी, हाँ अच्छा चलो, दुआ फरमाओ अल्लाह साडे सारयां दी इस हाजरी नूं कबूल फरमा ले। एक गल जरा नोट कर लिया जे, मेरे और तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा फरमाने गिरामी एक नोट फरमा लो। आमिना दे लाल अलैहि सलाम फरमांदे ने, मस्जिदां जन्नत दे बाग ने, मस्जिदां आप फरमांदे ने मस्जिदां जन्नत दे बाग ने, ते इन्हां बागां विच जदों आओ कोई खा पी लिया करो, कोई चार चुग लिया करो। अल्लाह दे प्यारे नबी जी, इत्थे खाण पीन वास्ते चरण चुगन वास्ते शै ही केड़ी है? आप फरमांदे ने सुन लो, मस्जिदां जन्नत दे बाग ने, ते इन्हां बागां दा फल की है? सुभान अल्लाह। नबी पाक दा फरमाने गिरामी जे उस जबान चो निकले अल्फाज ने, ए किसे आम खतीब दी खिताबत दा रंग नहीं, आम किसे मौलवी साहब दी गुफ्तगु नहीं, आम किसे शेख साहब ते मुफ्ती साहब ते अल्लामा साहब दी गल नहीं, और सोने ओए उस जबान तो निकले अल्फाज ने जिदे बारे कुरान आंदा है, वन नजमे इज़ा हवा मा जल्ला साहेब कुम व मा गवा व मायन ते को अनिल हवा इन होवा इल्ला वाहयू उस प्यारी जबान चो निकले अल्फाज ने जिदे बारे साहबे दिल ने किया आंदा जिदे लबां दे उत्ते रब बोलदा है, जिदे लबां दे उत्ते रब बोलदा है, सोना रहमता मोती रोलदा है, ओदा बोलना रब दा कलाम आया, कायनात दा बन के इमाम आया। और कौन मुस्तफा अलैहि सलाम तशरीफ ले आए, जिदे हुसन ते रब भी नाज करे, जिदे हुसन ते रब भी नाज करे, ओदे नाल केड़ा परवाज करे, ताहा यासीन मुजम्मिल दे पा रब कोलों लकब ते शान आया। और कौन मुस्तफा अलैहि सलाम तशरीफ ले आए, बच्चियां रोंदियां ते कुरलांदियां नू, बच्चियां रोंदियां ते कुरलांदियां नू, कबरां विच पूरे आ जांदा सी, ओना बेकस ते मजबूरां लई, ओना बेकस ते मजलूमां लई, सोना रहमत दा पैगाम आया, ओना बेकस ते मजलूमां लई, सोना रहमत दा पैगाम आया।
उस पाक पैगंबर दी जबान नबुवत दे अल्फाज आ फरमांदे ने मस्जिद जन्नत दे बाग ने इन्हां बागां विच जदों आओ कोई चार चुग लिया करो क्यों इन्हां बागां दा फल की है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे पैगंबर अली सलाम तो वसलाम ने फरमा एक और रिवायत हदीस पाक सुन लो। प्यारे पैगंबर अली सलाम तो वसलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा एक दिन दे अंदर 100 मरतबा पढ़ लेंदा सुभान अल्लाह वा बिहम्दही एडे सौखे ते एडे मुख्तसर अल्फाज नबी पाक ने बयान फरमाए ने। आप फरमांदे ने जेड़ा बंदा एक दिन दे अंदर 100 मरतबा पढ़ लेंदा इहदे नाल मेरे पैगंबर ने शर्त नहीं लगाई बावजू हो के पढ़ना मस्जिद दे अंदर बैठ के पढ़ना जरूरी नहीं बावजू हो के पढ़ो ते बड़ी अच्छी बात है मस्जिद च बैठ के पढ़ो ते बड़ी अच्छी बात है नहीं घर बैठ के पढ़ लेते तां भी ठीक है बाजार विच फिरना पढ़ लेते तां भी ठीक है ओ माशाल्लाह जिम्मेदार हो पट्ठे वड दे आ पढ़ लो ते तां भी ठीक है पट्ठे कुतर दे आ पढ़ लो ते तां भी ठीक है आधार कढ़न लगे आ 5-7 गालां अपने आप नू ते 5-7 मज्जां गावां नू कढ़ दियो इहदी बजाए डंगरां नू पट्ठे पांदे आ पढ़ लो ते तां ठीक है दुध चोंदे आ पढ़ लो ते तां ठीक है पढ़ना की है सुभान अल्लाह व बिहम्दही मुश्किल एदे ते 5-7 हद 10 मिनट लगते ने ते आज दे बाद वादा कर लो मेरे नाल नहीं रब नाल वादा कर लो आज दे बाद रोजाना 100 वारी पढ़ना सुभान अल्लाह वाबे हमदे ही 100 वारी पढ़ना एक दिन दे अंदर पढ़ोगे वादा कर दे हो वादा कर लो अच्छा सोने हो लपेगा की जब पढ़ांगे ते मिलेगा की। आमिना दे लाल अली सलाम फरमांदे ने समुंदर दी झग दे बराबर भी सगीरा गुनाह होणगे ते अल्लाह सारियां ते मुआफियां दे कलम फेर देवेगा। हुण ईमान दसो कि 10 मिनटां च जिंदगी दे सारे सगीरा गुनाह माफ हो जाण ते सौदा महंगा क्यों जी सौदा महंगा बड़ा सस्ता सौदा इस वास्ते अपने रब नाल राबता रखिया करो। मैं दस रहा वहां अल्लाह जलाल कदी सख्ती नाल समझा रहे ने कदी जरा प्यार नाल नरमी नाल समझा रहे ने इत्थे फरमाया प्यार नाल नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम। महबूब सोनियो इना लोका नू दसो खबर दियो इतला दियो पता दसो नब बेबादी मेरे बंदिया नू खबर दियो कि अन्नी अनल गफूर रही मैं बड़ा ही गफूर रहीम जे मैं बड़ा ही बख्शनहार जे वेख्या जे किते ऐसा ना होवे बंदा कोई जुलम ऐसा कर बैठदा कोई ज़ियाती ऐसी कर बैंदा कोई गुनाह ऐसा कर बैंदा ओ समझदा ऐडा वड्डा गुनाह मैं कर बैठा वा पता नहीं अल्लाह ने मैनू माफ करना है के नहीं करना। अच्छा जे नहीं माफ होना तो अल्लाह दे ज़बूर दे फिर जहन्नम ते नमाज अल्लाह है ही आवे वेखी जाएगी फिर जो होएगी। ओए सोने हो इंज नहीं करना बल्कि अगर गलती हो गई जुर्म हो गया अल्लाह फरमांदे ने खबर दियो इन्हां नू मैं बड़ा ही गफूर रहीम बल्कि कुरान दे एक तीसरा मकाम फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक
لَقَنَتُ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ میرے بندیاں نو دسو نا امید نہ ہویا دے بندہ وڈا گناہ کر کے آکے ٹھیک ہے یار پھر ہندے نے تے ہندے رہن ہن کنی کو بندہ توبہ کرے اے نہیں نرمی کرو معذرت کرو رب کولو معافی منگو اے نہیں بھی بندہ آکڑ جائے تڑ جائے ساڈے ایک دوست نے کہن لگے ایک جگہ جمعہ پڑھایا عید وڈی عید دے موقع تے تے فرمان لگے بھی جن نے نماز نہیں نہ پڑھنی او دی قربانی نماز نہیں پڑھنی تے قربانی کرن دا کوئی فائدہ نہیں بعد وچ ایک بزرگ آندے نے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر اگوں قربانی بھی نہ کران گے چاہیے تو ہے نا بھائی اچھا جی ہوں نماز یہ مطلب ہے نماز نہیں پڑھنی تے قربانی دا فائدہ کوئی نہیں انہیں چاہیے بھی چلو جی اگوں ہوں نماز پڑھا گے قربانی جو کرنی ہے تے نماز پڑھا گے انہیں چلو جی نہیں قربانی ہوں تو پھر اگوں پھر قربانی بھی نہ کران گے نہیں نرم پیدا کی دے اگے اپنے خالق دے مالک دے سامنے تا رب العالمین فرما رہے نے نبی عبادی ایڈا مہربان میں تے انج کہا کرنا ایڈا مہربان تیرا باپ نہیں ایڈا مہربان تیرا بھائی نہیں ایڈا مہربان تیرا استاد نہیں ایڈی مہربان تیری ماں نہیں جڈا مہربان تیرا رب اور اے میں نہیں کہہ رہا خود نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول کچھ قیدی لے آندے گیا اونا قیدیاں چ مرد بھی نے اونا قیدیاں وچ عورتاں بھی نے ایک عورت دا بچہ گم ہو گیا روندی پھر دیے لب دی پھر دیے تلاش کر دی پھر دیے تھوڑی دیر بعد بچہ مل گیا تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے ویکھے جیڑی اگے روندی پھر دی سے ہون او دے چہرے تے مسکراہٹ آنے کائنات دے امام اپنے صحابہ نو مسئلہ سمجھان لگے آ فرما دے نے صحابیوں جیڑی ماں اپنے بچے دی جدائی اندر اینی پریشان سے ہون اینو بچہ مل گیا مینو دسو خان اے ماں اپنے بچے نو آگ ویچ سوٹ دے وے گی سیا باندے نے سونے ہو سوال ہی پیدا نہیں ہندہ سوال ہی پیدا نہیں ہندہ والا اپنے بچے نو کمیں آگ ویچ سوٹے گی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے جنہ پیار گل نوٹ کرن والی جے جنہ پیار ماں اپنے بچے نال کر دیئے اس تو کئی گنا زیادہ پیار اللہ اپنے بندیاں نال کر دے نے کئی گنا زیادہ پیار اللہ اپنے بندیاں نال کر دے نے تائیں تے فرمایا نب عبادی انی انا الغفور الرحیم اینا نو دسو میں بڑا ہی مہربان اتنا بڑا مہربان اتنا بڑا سخی میں نہ سخیاں دا سخی داتا آپ بلا بلا کے آوازاں دے دے کے آندا او میرے بندیو آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے 445 آجا مانگ لو 445 والے ہو آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے اے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے کولا الہا پڑھ لو لا الہ الا اللہ
हुए गैरां दे क्यों जाना कौला इलाहा इल्लल्लाह और तमन्ना होवे जे मेरे वल आने दी तमन्ना होवे जे मेरे वल आने दी अपने दिल दे हाल सुनाने दी कोई लोड़ नहीं जुत्ती पाने दी कौला इलाहा इल्लल्लाह और गल बड़ी प्यारी कर देने खाली हाथ आवे चोली पार दे ईमान ने दसो भरद है कि नहीं पुत्र मंग लै धी मंग लै इज्जत मंग लै शोहरत मंग लै माल मंग लै कारोबार मंग लै मंग रब कोलों जो मंगदा जा अच्छा बाद दफा ना कई साथी आंदे ने मौलवी आंदे ने सुनदा ते देंदा भी है ते साडा तो चिट्टा झाटा हो गया साडी सुनदा ही नहीं दाढ़ी चिट्टी हो गई है सिर दे वाल चिट्टे हो गए ने साडी नहीं सुनदा गल पता की है सुनदा है वे पर सानू सुनान दा वल नहीं आउंदा सुनदा है वे पर सानू सुनान दा वल नहीं आंदा मानदा है वे पर सानू मनवान दा वल नहीं आंदा अंदरे एक अखां तो नबीना बंदा ना इंज खलोता है सरे राह बाद ने लिखिया कि हज्जाज बिन यूसुफ कोलों दी गुजरिया ते वेखिया अखां तो नबीना बंदा खलोता आंदा या अल्लाह अखां दे दे अखां दे दे अखां दे दे ओ कहन लगा की आंदे हो भजी आंदा मुद्दतां बीत गईयां ने रब कोलों अखां मंगण डिया ते दे नहीं रहा मनदा नहीं पिया बंदा सियाना सी उन्हें वेख लिया भी मंगदा केड़े तरीके नाल कहन लगा मैं जा रहा ते लंघना मैं पौंके इत्थों ही है ते जे तेरिया अखां ठीक ना होइया ते मैं तेरी धौण ला छड़नी है जा डिगया सही दे उन्हें है अगे अखां कोई नहीं हुण जान भी चली हो ते मैं नहीं हो हिलना जब तक अखां ना अता करेगा रब ने दे छड़िया उस रात फिर खलोता मुलाकात हुई उन्हें है सुना भाई उन्हें है जी रब ने अखां दे दीतिया ने कहन लगा अगे चज नाल तू मंगिया ही नहीं अगे चज नाल तू मंगिया ही नहीं यार चज नाल अपने माले कोलों मंगिया करो चज नाल सवाल करिया करो खाली हाथ आवें चोली पर देवां तैनू माल औलाद ते जार देवां तेरी हर मुश्किल हल कर देवां कौला इलाहा इल्लल्लाह प्यार नाल मोहब्बत नाल अल्लाह जुल जलाल समझा रहे ने और कदी जरा सख्ती नाल प्यार नाल ना जेड़ा मने फिर ओदा इलाज जरा सख्ती हुंदे हुन रब्बुल आलमीन जरा सख्ती करके समझा रहे ने वा अन्ना अजाबी वल अजाबुल अली ते जे तेनू अकल ना वे नरमी नाल ते फिर समझ ले मेरे अजाब भी बड़े डाडे ने अजाब भी मेरे बड़े सख्त ने उथे रब्बुल आलमीन फरमा रहे ने फरमाया एक तारा बालिना से हिसाबुहुम वहुम फी गफलत मुअरिज़ून हिसाब ते लोकां दा बिल्कुल सिर ते आ गया हिसाब करीब आ गया इंसान गफलत दे अंदर डूबिया होया ए कमला गफलत दी नींद सुता होया एनू पता ही नहीं मैं इम्तिहान वाले कमरे दे अंदर जाना और सोने ओ इम्तिहान वाला कमरा ऐसा आ साडे दुनिया दे इम्तिहान हुंदे ने एक कमरे दे अंदर भावें फासले ते ही होण एक कमरे
कमरे दे अंदर 100-50 बच्चा हुंदा है, एक कमरे दे अंदर 20-30-40-50 बच्चे हुंदे ने। ते सोने ओ जेड़ा असल इम्तिहान है, उस इम्तिहान वाले कमरे च सिर्फ अपनी जान ने कम आउना है। फर्दे वाहिद कल्ला बंदा होएगा, बल्कि सैयदना जनाबे उस्मान रजी अल्लाह ताला अनुह जदों कबर दा जिक्र जनाबे उस्मान दे लागे हुंदा, उस्मान दियां अखां डुल पैंदियां, रो रो के दाढ़ी तर हो जांदी। साथियां पुछिया, हजरत जहन्नम दा भी जिक्र हुंदा, होर भी अल्लाह दे अजाबां दा तज़किरा हुंदा, पर जदों कबर दा जिक्र हुंदा उदों तुसी बेसाखता रोन लग पैंदे हो। फरमांदे ने साथियो, आखरत दियां मंजलां चो पहली मंजल कबर, आखरत दियां घाटियां चो पहली घाटी कबर दिए। जे इत्थे बंदा कामयाब हो गया, क्योंकि है ही कल्ला, मां कोई नहीं, नाल बाप कोई नहीं, नाल भैणा कोई नहीं, नाल भरा कोई नहीं, बस बंदे दी अपनी जान उथे होनी है। दुआ करिया कर, अल्लाह कबर दियां औखियां घाटियां ते साडी मदद फरमा ले। मेरे भाई मेरे बरादर, आओ जरा गौर फरमाया, असी दुनिया नाल दिल लगा बैठे हाँ, दुनिया नाल प्यार पा बैठे हाँ, सोच की है जाविए सोच दे बदल गया ने, सोच की है बस आ जड़ा दुनिया दा निजाम है, शायद हमेशा तो ही इंज दा चलदा पिया, ते हमेशा इन्हे इंज ही चलदे रहना, नहीं ना सदा तो इंज दा, ना सदा इन्हें इंज रहना। एक वेला आउना आसमान लपेट ले जाने ने, एक वेला आउना सितारे टूट जाएंगे, आसमान दा सूरज ते चन बेनूर हो जाएगा, आ सारा निजाम लंबे लपेट लिया जाएगा, समेट लिया जाएगा। और कुरान कह रहा, अल्लाह फरमांदे ने कुल्लो मन अलैहा फान वाई अब का वाजो हो रब्बे का जोल जलाल वल इकराम। फरमाया हर शह तबाह हो जान वाले, हर शह फना हो जान वाले, अल्लाह कोई ऐसी जात है वे जिन्हों फना ना होवे, जिन्हों बकाई बका होए। फरमा हाँ, एक जात ऐसी है और उस जात दा तारफ किए हो, वल अव्वलो वल आखिरो व जाहिरो वल बातिन वाहुवा बेकुल शैयन अली। एक जात ऐसी है ओदी इब्तदा कोई नहीं, ओदी इंतहा कोई नहीं, ओदा यौमे विलादत कोई नहीं, ओदा यौमे वफात कोई नहीं, ओ हमेशा तो है, ओ हमेशा रहने वाला है। कौन है? अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू। आज जात हमेशा रहने वाले अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू। ए अर्शा वाले रब्बा, असी इंसान जो है सारा दिन मजदूरियां करने आ, शाम नु थक जाने आ, रात वेले आराम करने आ, कोई दिन दी ड्यूटी कर दे, रात नु आराम कर दे, कोई रात दी ड्यूटी कर दे, दिन नु आराम कर दे, अच्छा कोई 24 घंटे दी ड्यूटी कर ले, और बहुता कोई ताकतवर होएगा, असाब दा मजबूत होएगा, 48 घंटे दी ड्यूटी कर लेगा, बिलाखर थक जाएगा, नींद गलबा पा लेगे। अर्शा वालिया, लखा करोड़ा साल बीत गया ने, क्या तुसी सुते नहीं? अल्लाह जी तुसी सौंदे नहीं? अरबा खरबा इंसान
पैदा होए ते मौत दे मुंह विच चले गया। अल्लाह जी तुहानू मौत नहीं आउंदी, फरमाया मेरा कमला बंदा मौत ते बड़ी दूर दी गल है, मैनू ते नींद भी नहीं आउंदी, और नींद बड़ी दूर दी गल है, मैनू ते ऊंग भी नहीं आउंदी। अल्लाह जी तुसी क्यों नहीं सौंदे, फरमाया गल ते सादी जई है, मैं सौ जांदा मेरे आदम दियां दुआवां कौन सुनदा, मैं सौ जांदा मेरे नूह दियां पुकारां कौन सुनदा, मैं सौ जांदा चिखा विच मेरे खलील दियां कौन सुनदा, मैं सौ जांदा छुरी थल्ले मेरे इस्माइल दियां कौन सुनदा, मैं सौ जांदा बदर विच मेरे मुस्तफा दियां कौन सुनदा, मैं सौ जांदा उहद विच मेरे मुस्तफा दियां कौन सुनदा, मैं सौ जांदा हुनैन विच ते खैबर विच मेरे पैगंबर दियां कौन सुनदा। ओ दुनिया वाले ओ मेरी तारीफ ही एवे, मेरी सिफती एवे लाता अखोजो लाता अखोजो सेना तुम वाला नौ, और नींद भी नहीं आउंदी ते मेरे रब नू ऊंग भी आउंदी। हर शै फना, हर शै तबाह, हर शै बर्बाद, रहे नाम अल्लाह दा। असी दुनिया ने ऐसा दिल लगा बैठे हाँ, समझिया ये हमेशा दा ते निजाम है ते हमेशा ही चलता रहना, नहीं एक वक्त आना ये सारा निजाम समेट लिया जाना, साडियां सोचां दे जाविए बदल गया, सानू ये वे माल आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, चोरी दा आ जाए ते तां परवाह नहीं, डाके दा आ जाए ते तां परवाह नहीं, रिश्वत दा आ जाए ते तां परवाह नहीं, यतीमां मिसकीनां ते माड़ियां दा माल आ जाए ते तां परवाह नहीं, भाई भाइयां दे हक खाई जा रहे ने परवाह कोई नहीं, वीर भैणां दे हक खाई जा रहे ने परवाह कोई नहीं, बाप सारियां जमीनां ते सारियां जायदादां ते सारियां फैक्ट्रियां ते मार्केटां अपने पुत्रां दे नाम लगा के धियां ते जुलम दी हद मुकाई जान ते तां परवाह नहीं। एक गल मैं 45 चकवा लिया, रब दा वास्ता दे के कहना चाहवांगा, मैं ते अपना फर्ज अदा करना, अल्लाह दा वास्ता दे के कहना चाहवांगा, मैं मन लैना वा बंदा प्यार अपने बेटिया ना करदा, जी इन्हां नाल मेरी नस्ल अगे चलेगी, पुत्रां नाल प्यार पुत्रां नाल मुहब्बत करदा, पर रब दा वास्ता ही इन्हां दी मुहब्बत अंदर अपनी कबर ना काली कर ले, पुत्रां दे प्यार अंदर अपनी आखरत बर्बाद ना कर जाए। बाप फौत होण लगा, इन्हें पुत्रां नू बुला लिया, उन्हें है मेरे ज्योंदे ज्योंदिया मेरे हत्थां पैरां दे भावें अंगूठे लुहा लो, मरण तो बाद तुहाडियां भैणां विचों हिस्सा लै जाना, मैं मन लैना तेरियां बेटियां इत्थे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकनगिया, अदालतां च तेरे अंगूठे कम आउणगे, अदालतां दे अंदर तेरा बयान कम आएगा, तेरियां जमीनां ते तेरे मुरब्बे तेरे पुत्रां दे नाम लग जाणगे। पर एक गल ही मौज उन्ना करनी है, कबर विच जवाब तैनू देना पैणा, जिन्ना पुत्रां वास्ते इन्ने अल्लाह दियां नाफरमानियां करना ते तियां दा हक मार के पुत्रां दे खाते पाना पिया, कल कयामत दा दिन होएगा गरेबान तेरा होएगा ते हाथ तेरियां बेटियां दा होएगा, ते की जवाब अल्लाह दे दरबार अंदर देना। इस वास्ते मेरे भाई ए दुनिया आरजी समान, दुनिया दा सारा आरजी, दुनिया नाल मोहब्बत कूड़ी आ दुनिया चार दिहाड़े, नाल किसे दे रही ना रहसी, ओए दुनिया दीन बिगाड़े,
दुआ कर अल्लाह सानू आखरत दी फिकर करन दी तौफीक अता फरमा दे। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद आमिना दिलाल इमामुल अंबिया हबीबे खुदा महबूबे किबरिया हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम। अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रोजा पाक ते करोड़ा रहमत नाजल फरमाना ते साडे वालों करोड़ों अल्लाह दुरूद व सलाम दियां बारिशां नाजल फरमाना। नबी पाक ने ते बड़ी सादा जी गल करके ते ऐसी बात समझाई है जे बंदा समझण दी कोशिश करे। आप फरमांदे ने बंदे दा माल सिर्फ तीन किस्म दा किन्नी किस्म बंदे दा माल सिर्फ तीन किस्म दा सोने हो केड़ा। आप फरमांदे ने खा लिया ते खा के हजम कर लिया। खुदा दी कसम मुस्तफा ने कूजे च दरिया नहीं समुंदर बंद कर छड़िया। तीन किस्म दा माल बंदे दा खा लिया ते खा के हजम कर लिया, पहन लिया ते पहन के पुराना कर लिया, ते नंबर तीन जेड़ा अल्लाह दे राह विच खर्च कर लिया। ऐ वे तेरा ते मेरा दो ते ओ खा लिया ते खा के हजम कर लिया। नबी पाक ने खान दी भी शर्त लाई है ते नाल हजम करन दी भी शर्त लाई। तुसी वेंदे नहीं कईयां दे गले च हड्डी फसदी है ते मौत दा जरिया बन जांदी। खाना भी शर्त है ते हजम करना भी शर्त है। की पता ही जेड़े चरगे ते मुर्गे ते बटेरे खाने पिया हजम करने भी नसीब होने नहीं के नहीं। बाज औकात इंज दियां खुराकां खा के हैजा हुंदा ते मौत आ जांदी है। ये सारा कुछ जानलेवा साबत हुंदा। इस वास्ते आप फरमांदे ने खा लिया ते खा के हजम कर लिया। नंबर दो पहन लिया ते पहन के पुराना कर लिया। पहनना भी शर्त है ते नाल पुराना करना भी शर्त है। की पता ही जेड़े सूट किसे बैरून मुलक चो मंगाए आ इंपोर्टेड कपड़ा आ इंपोर्टेड सूट है। मैं स्पेशल फला मुलक विचों मंगवाया इलाके दे बड़े बेहतरीन दर्जी कोलों डबल सलाई दे के सलाई करवाया। इधरों बड़े टोर नाल पा के निकलिया सड़क पार करन लगा एक्सीडेंट होया ते मौके ते ही खत्म हो गया। मेरे भाई खाना भी शर्त ते खा के हजम करना भी शर्त, पहनना भी शर्त ते नाल पुराना करना भी शर्त ते नंबर तीन असल तेरा माल ओवे जेड़ा तू अल्लाह दे राह विच खर्च कर लिया, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर लुटा दिता। असल माल ते बंदे दा ओवे वरना इस तो इलावा बंदा दुनिया दे अंदर टौर बनाई फिरदा आकड़ी नहीं मुकदी। रब ने चार टके अता फरमा दिते ने टौर ही नहीं मुकदा, बंदे नू बंदा ही नहीं समझदा। लेकिन ये पता ही नहीं जदों आ जानी है ते एक मिनट दा भी वसा दुनिया दी हर शय दी गरंटी है। घड़ी लैके आया एदा वारंटी कार्ड नाल साल चलेगी। माइक्रोफोन लैके आया ये दो साल चलेगा। पखा लैके आया पांच साल चलेगा। जुत्ती लैके आया इन्ने महीने हंडेगी। तेरी अपनी गारंटी है जे हौली हौली बोलते समय जिमें सारे गारंटी लै के बैठे हो है जे गारंटी। अपना भरोसा नहीं हो तेरा घड़ी पलदा, ओए अपना भरोसा नहीं हो तेरा घड़ी पलदा। मान दस करना है वाला केड़ी गल दा, ओए अपना भरोसा नहीं हो तेरा घड़ी पलदा। मान दस करना है वाला केड़ी गल दा,
तेरियां ते सावां भी नहीं, मेरियां ते सावां भी नहीं, तेरियां ते सावां भी नहीं, बंदे आए तेरियां, मौत रोज घर तेरे मार दिए फेरियां। ओए कल्ला इत्थे आया ते कल्ला इत्थों जाना ही, कल्ला इत्थे आया ते कल्ला इत्थों जाना ही, तिया पुत्ता दोस्ता नहीं काम तेरे आना ही। और जिन्ना लई तू दिने राती, जिन्ना लई तू दिने राती करे हेरा फेरिया, और जिन्ना लई तू दिने राती करे हेरा फेरिया, मौत रोज घर तेरे मार दिए फेरियां। ते उड़ जाने पंछी जेड़ा तेरे विच बोलदा, उड़ जाने पंछी जेड़ा तेरे विच बोलदा, कौड़ी भी नी मुल रहना ऐ बाकी खाली खोल दा, ते खत्म हो जानिया ने, खत्म हो जानिया ने शाना जो उचेरिया, कबर नू उड़ीका रोज रेंदिया ने तेरिया। ते गल बड़ी प्यारी आ समझन वाली आ, कदी समझन दी कोशिश ते करिए ना। ओए मिट्टी विच दब देना तैनू रिश्तेदारां ने, मिट्टी विच दब देना तैनू रिश्तेदारां ने, चेहरा तेरा वेख डरना तेरे गूड़े यारा ने। और मिट्टी विच दब देना तैनू रिश्तेदार ने, चेहरा वेख डरना है तेरे गूड़े यारा ने, जिन्ना नाल गूड़िया ने यारियां ए तेरियां, और जिन्ना नाल गूड़िया ने यारियां ए तेरियां, कबर नू ओडीका रोज रहंदियां ने तेरियां। पता जे मौत ऐसी अटल हकीकत के कायनात अंदर शायद इस तो बड़ी सच्चाई कोई नहीं। हर शय अंदर इख्तलाफ, नमाज अंदर लोग इख्तलाफ कर लिया, रोजे अंदर इख्तलाफ, हज दे अरकान अंदर इख्तलाफ, सदका तो खैरात इसाले सवाब अंदर इख्तलाफ, मौत ऐसी अटल हकीकत है कोई यहूदी इख्तलाफ नहीं कर सकिया, कोई ईसाई नहीं कर सकिया, कोई हिंदू नहीं कर सकिया, कोई सिख नहीं कर सकिया, कोई बुद्ध मजहब नहीं कर सकिया, मौत विच किसे नू इख्तलाफ नहीं। मौत दी आयनी पंजे करीब करीब आ जांदे ने, मौत एक सेकेंड जेड़ा रब ने वक्त मुकर्रर कीता, एक सेकेंड ना पहला आउनी है ते ना लेट होनी है। मौत आहनी पंजे इंज करीब करीब आ रहे ने, घर दे वेड़े दे अंदर चार पाई पई है, ते मां बाप रिश्तेदार बेबस हो गए ने, डॉक्टरां ने ला इलाज करार दे दिता, हकीमा ने ला इलाज करार दे दिता, तबीबा ने जवाब दे दिता, कोई बस नहीं चलदा, कोई चारा नहीं चलदा पिया। ते हुण ए अपने घर दे फेड़े दे अंदर चार पाई ते लेटे है, बाप आंदा बेटे मेरिया जायदादा विक जान, पर ते अल्लाह तंदुरुस्तियां अता फरमा देवे। मां अपनी जगह परेशान,
इंज बेटे दे सराने बैठी है ते अखा चो जारो कितार आंसू बहांदी है पई नाले रोंदी है ते नाल आंदी ओ मेरे शहजादे आ अजे ते मेरिया मेहनतां दा मुल भी पूरा नहीं होया मैं रातां जाग जाग के तेरिया खिदमतां कीतियां मैं रातां उठ उठ के तेरिया खिदमतां कीतियां अजे ते मेरिया मेहनतां दा समरा भी मैनू मुयसर नहीं आया मेरा लाल हुणे जुदाइयां दे के टुर चलिया बाप खड़ा ते अखां चो आंसू बहारिया आंदा मेरे बेटे दुनिया तो जान लग्या एक वारी बुढ़े बाप दी कमर ते हाथ ते रखिया तेरे अबू दा लक टुट गया है तेरे अबू दी कमर चुक गई है मां जम्मे वीर अपनी जगह रोंदे ने वै आंदे ने सोनिया वीर वीरां दियां बावां हुंदियां ने बावां ही तोड़ के टुर चलिया भैणा अपनी जगह रोंदियां ने पईयां मां जम्मिया वीरा कौन सानू सीने लगाएगा कौन दस्ते शफकत रखेगा कौन प्यार दा हाथ साडे सिर ते रखेगा मां भी बेबासे बाप भी बेबासे भैणा भी परेशान ने भरा भी परेशान ने कोई वस नहीं चलदा पिया कोई चारा नहीं चलदा पिया ते मोहल्ला फरमांदे ने जदों चाबी उमर दी मुक जानी घड़ी चलदी चलदी रुक जानी तेरे काम सारे विच रह जाने तेरे काम सारे विच रह जाने तेरे कोट उम्मीदां दे टह जाने नबजा रैन हकीमां हाथ फड़िया नबजा रैन हकीमां हाथ फड़िया गोली मौत दी सीने विच ठुक जानी असुंजे महल ते माड़ियां छड़ने नी सुंजे महल ते माड़ियां छड़ने नी झंडे विच उजाड़ा जा गड़ने नी सुंजे महल ते माड़ी इंज दे लोग सारी उम्र दी जमा पूंजी ला के अपना मकान बनांदे ने मैं इंज दे लोग वेखे ने एक दोस्त ने ना गल सुनाई कहन लगे लाहौर DH दे अंदर एक नौजवान रब ने माल दौलत कारोबार दी फरावानी अता फरमाई आली शान कोठी बनाई अपनी मर्जी दा पत्थर लगवाया टैलां लगवाईया रीजा नाल कोठी बनाई ते कहन लगा मैं इस कोठी दा इफ्तिताह अम्मी कोलो करवाना है अबू कोलो करवाना है कोठी दे मेन गेट ते फीता लग गया अम्मी नू अबू नू बच्चियां नू नाल लिया कोठी दा इफ्तिताह करन लगे फीता कटन लगे इंज फीते नू कैंची लाईए दिल दा अटैक होया उत्थे ही डिग के मर गया घर विच वड़ना ही नसीब नहीं होया ऐस दुनिया नाल दिल लगा के बैठे आ ऐस दुनिया नाल प्यार पा के बैठे आ सुन्ये महल ते माड़ियां छड़ने नी झंडे विच उजाड़ा जा गड़ने नी दुध मखनी पलियो पलवाना दुध मखनी पलियो पलवाना तक मलकानू जेब सुक जानी ते जेड़ी बीवी तेरे सिर ते कलोल करे जेड़ी बीवी तेरे सिर ते कलोल करे जावे सदके ते मिठे मिठे बोल करे आज लाश नू वेख के आज लाश नू वेख के
डरन लगी अखां टड्डियां विराश विंगी सुक जानी ते जेड़ी मल मल मखमल वल थुकदी जेड़ी मल मल मखमल वल थुकदी सोने चांदी नू ला के परां सुटदी अज लीरा हाल ओ सोने ओ दिन बदलदे आ पता नहीं जे लगदा हालात बदलदे आ पता नहीं जे लगदा कल तक ऐसे खातून खावन कमाइयां करन वाला पैसा कमान वाला ते इस खातून दे उतरे कपड़े महल्ले दियां औरतां पहन के गुजारा कर दिया ने अज हालात ने पलटा खादा सिर तो कमान वाला शोहर चला गया बल्कि मैं ते कहा करना वा जिस मेरी भैन दे सिर तो शोहर दा साया उठ जाए इंज समझो ओ तख्त तो थल्ले डिग पैंदी है ओदी दुनिया वीरान हो जांदी है ओदी दुनिया उजड़ जांदी है जेड़ी मल मल मखमल कल तक एदे उतरे कपड़े महल्ले दियां औरतां पा के गुजारा कर दियां सन अज हालात ने पलटा खादा आप बेचारी लोकां दे कपड़े धो के भांडे मांज के गुजारा कर दिए पई जेड़ी मल मल मखमल ना वड्डा बोल बोलियां अपनी जबान तो कित कायनात दा रब नाराज ना हो जा जेड़ी मल मल मखमल वल थुकदी चांदी सोने नू ला के परां सुटदी अज लीरा हाल अज लीरा हाल फकीरां दे रोंदी दियां अखां चों हिंज सुक जानी ते जेड़े बच्चियां नू लाड करौंदा रहो जेड़े बच्चियां नू लाड करौंदा रहो सोने कपड़े लै लै पवांदा रहो अज बाजारां विच ओ रोंदे नी अज बाजारां विच ओ रोंदे नी दही सुक जानी आस मुक जानी समसाम ना मौत वसार बही समसाम ना मौत वसार बही वेखी लोड़ा न तत्या मार बही बस आ गई आ गई आ आ विच जिंदड़ी मुक जानी अल्लाह जुल जलाल दे कुरान दा फैसला फरमाया कुल मन अलैहा फान वयबका वजह रब्बे का जुल जलाल वल इकराम दुनिया आरजी है एक वक्त आना है सारा जहान और जहान दा निजाम खत्म कर दिता जाना है तहो बाला कर दिता जाना है रहे नाम अल्लाह दा असा जाना असी नहीं रहना साडे औलादा आ जाणगियां उन्हां दियां औलादा आ जाणगियां अगो उन्हां दियां साडे वड्डे चले गए उन्हां दे वड्डे चले गए अगो उन्हां दे वड्डे चले गए जेड़ा आया सदा रहन वास्ते नहीं आया चल चली दे टल खड़क देने पे पता नहीं आज ओ दीवारी है ते कल साड़ी वारी है इस वास्ते आइए अपने खालिक ते अपने मालिक नू राजी रखन दी कोशिश करिए अपने रब नाल अपना नाता ते अपना ताल्लुक उस्तवार करिए इंशाअल्लाह रहमान दुनिया आखरत दोनों जहान दियां कामयाबियां कामरानियां अल्लाह साडा मुकद्दर बना देंगे अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू किताब व सुन्नत नू समझ के अमल दी तौफीक अता फरमाए चौधरी तौहीद अहमद डॉक्टर रमज़ान साहब मैर अकरम सियाल साहब राणा अब्दुल गफ्फार साहब राणा हनीफ साहब और दीगर जितने मरहूमीन ने उन्हें वास्ते दुआ फरमाना अल्लाह सब दियां कबरां नू जन्नत दियां क्यारियां बनाए अल्लाह अपनी रहमत दे नाल उन्हां दे तमाम लग्जशां गलतियां तो दरगुजर फरमा के अपने जवारे रहमत दे अंदर जगह अता फरमाए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
मौलाना दे वालद मोहतरम बीमार ने, उन्हां वास्ते दुआ फरमाओ। दीगर जितने मरीज ने बीमार ने अल्लाह सब नू शिफावां अता फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما। अल्लाह साडे तमाम बीमारां नूं शिफाए कामिल नसीब फरमा, तंग दस्तां दियां तंग दस्तियां दूर फरमा, बे औलादां नूं नेक साले औलादा ता फरमा। अल्लाह सानू ते साडियां औलादा नू अपने दीन दे खादिम बना। मेरे मौला जब तक जिंदा रखें इस्लाम ते रखी, मौत आए ते कलमा नसीब फरमा। खात्मा बिल ईमान खात्मा बिल खैर फरमा। कयामत दे दिन अपने पाक नबी दे हथों जामे कौसर नसीब फरमा। अल्लाह साडे चो जिन्ना दे वालिदैन पैना भाई अजीजो अकारब फौत हो गए, उन्हां दियां कबरां नूं मुनव्वर फरमा। गुनाहगार सन ते गुनाह मुआफ फरमा, नेक सन ते उन्हां दे दरजात नूं बुलंद फरमा। अल्लाह इस सारे पिंड ते अपनियां रहमतां दा नुजूल फरमा। अल्लाह फलस्तीन दे मुसलमानां दी मदद फरमा, मकबूजा कश्मीर दे हुरियत पसंदां दी नुसरत फरमा। मेरे पाकिस्तान दे जर्रे जर्रे ते चप्पे चप्पे दी हिफाजत फरमा। मेरे मुल्क दे दुश्मना वैरियां दे मनसूबियां नूं खाक अंदर मिला। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन।